तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैंने यूज किया है आवर ग्लास का। अब गाइज आप लोग पूछेंगे कि आवर ग्लास क्या होता है। जो आवर ग्लास होता है उसका हिंदी जो मतलब होता है वह होता है समय सूचक, यानी कि गाइज वह एक समय को निर्धारित करता है, बीते हुए समय को। गाइज आप लोगों ने बहुत सारे मूवियों या फिर पिक्चरों या वेब सीरीजों में इसका यूज देखा होगा। कोई हीरो रहता है और बोलता है कि जब तक आवर ग्लास की बालू गिरेगी तब तक तुम्हारे हिसाब से चलेगी, यानी गाइज जब तक बालू गिरती रहेगी तब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी, उसके बाद गाइस तुमको मार दिया जाएगा। तो गाइस ठीक है ही गाइस, वैसा आवर ग्लास होता है वो समय को प्रदर्शित करता है। गाइस आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि गाइस हम लोग उसी आवर ग्लास को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के बीच में रखकर दबाएंगे। अब गाइस आप लोग पूछेंगे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन क्या होती है। एक ऐसा मशीन होता है जो किसी वस्तु को दबाने या फिर उठाने का कार्य करता है। और गाइस यह कार्य करता जानते किस बेस पे? पास्कल के नियम पे कार्य करता है। अब गाइस आप लोग पूछेंगे कि पास्कल का नियम क्या होता है, तो गाइस अगर ऐसी बात तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर आप लोग को एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। गाइस हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के बीच में आवर ग्लास को रखकर दबाएंगे और देखते हैं गाइस इसका रिएक्शन क्या होता है। गाइस यार वीडियो को बनाने में बहुत समय के साथ बहुत ही कुछ लग जाता है, इसीलिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो गाइस देखिए क्या हुआ जब मैंने आवर ग्लास को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के बीच में रखकर दबाया। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा जब मैंने हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के बीच में आवर ग्लास को रखकर दबाया, तो यह तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ताकत से किसी वस्तु को दबाती है। तो गाइस उसके आगे आवर ग्लास क्या चीज़ है? तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा जो आवर ग्लास है वो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर गाइस आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक करिए और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में और किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ।